नमस्कार किसान भाई। वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्वार फली की खेती किस प्रकार से करें। ग्वार फली की खेती करना चाहते हैं आप तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसान भाइयों खेती का, क्योंकि यह प्रॉफिटेबल खेती है एवं इसकी डिमांड भी बनी रहती है मार्केट में। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ग्वार फली की खेती कैसे करें, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, इसके लिए खेत का पीएच मान कितना होना चाहिए, कौन सी उन्नत किस्म ग्वार फली का लगाना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन सी माह में लगाए, किस विधि से लगाए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी ग्वार फली की खेती के। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्वार फली की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में। किसान भाइयों तो बता दें किसान भाइयों को ग्वार फली की खेती किसी भी मिट्टी में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे बेहतर उत्पादन लेने के लिए, सबसे हाई उत्पादन लेने के लिए, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, क्योंकि यह जो मिट्टी होती है ग्वार फली की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगर इस मिट्टी में आप करते हैं तो आपका उत्पादन अन्य मिट्टी के मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर पर भूमि का पीएच मान क्या होना चाहिए ग्वार फली की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो बता दें कि ग्वार फली की खेती करने के लिए भूमि का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.5 के बीच रहना चाहिए। अगर आपका पीएच मान 8, 8.5 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्वार फली की खेती कर सकती है। ये रही पीएच मान की बात। उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार से करें ग्वार फली की खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको कल्टीवेटर से गहरी जुताई 2 से 3 बार कर देनी है। गहरी जुताई करने से आपका जो खेत का अवशेष पदार्थ है, जो भी फसल पहले लगा था, वो उसमें निकाल देना है उसको आप अच्छी तरीके से। और निकालने के बाद आपको क्या करना है, रोटेवेटर को लाना है और रोटेवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना देना है। और मिट्टी भुरभुरी आपको बनने के बाद क्या करना है, ग्वार फली की बुआई करना है। तो सबसे पहले बुआई करने से पहले आपको खाद और उर्वरक के बारे में जान लेते हैं। ग्वार फली के फसल संतुलित और सही तरीके से खाद तथा उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होने के कारण पैदावार कम मिलती है, तो इसलिए इसमें खाद की अच्छी तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी उत्पादन लेने के लिए। बात कर लेते हैं जहाँ पर मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है वहाँ सब्जी वाली ग्वार फली की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद, 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन ये आपको जरूर देनी है। बुआई से पहले 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम सल्फर और 5 किलोग्राम जिंक, ये सभी खाद को अगर आप खेतों में देते हैं तो आपकी ग्वार फली के विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होगी और समय पे आपका उत्पादन मिलेगी और समय पे मार्केट में आपका ग्वार फली जाएगी। तो इन तरीक़ों से ये जो खाद उर्वरक अगर आप देने ही चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए। बात कर लेते हैं जब ग्वार फली की बुआई करें तो बीज की मात्रा क्या हो किसान भाइयों, तो ग्वार फली के बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा मैं बता रहा हूँ 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है हेक्टेयर के हिसाब से, एकड़ में हो सकता है कम लगेगा। बात कर लेते हैं बीज का उपचार कैसे करें। पौधे की अच्छी प्रारंभिक बढ़वार करने के लिए बीज को उपचारित करना बहुत ही जरूरी है। ग्वार के पौधे को जड़ों में अधिकतम गांठों की बनने की अधिकतम वातावरणीय नाइट्रोजन भूमि में स्थापित करने के लिए उचित प्रकार के राइजोबियम कल्वर से उपचारित करना चाहिए किसान भाइयों, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। बात कर लेते हैं बुआई की विधि। आमतौर पर किसान ग्वार की बुआई छिटकाव विधि से करते हैं, इस विधि से समय कम लगता है तथा अच्छी आसानी तरीके से जल्दी बुआई हो जाती है, परंतु इस विधि से पैदावार कम मिलती है। बात कर लेते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए किस विधि से बुआई करें, इसलिए बेहतर पैदावार के लिए हमेशा पंक्तियों में बुआई करनी चाहिए। आपको क्या करना है, क्यारियाँ बना देनी है और उस पर बुआई करते हैं तो आपको छिड़काव विधि के मुकाबले क्यारिया विधि जो मेड विधि है उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलेगी, तो ये विधि आपके लिए बेस्ट रहेगा किसान भाइयों। सिंचाई प्रवर्धन, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यदि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली ग्वार फली की फसल में समय के अंतराल कम सिंचाई पर भी चल जाती है, अगर बरसात का समय नहीं है तो सिंचाई समय से पर करनी पड़ेगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए धन्यवाद।